तो आ गए, कैसे हो? तो यार आज हम लोग जो बात करेंगे वो होने वाला है टूर्नामेंट के ऊपर, जो कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है, तो यार उसके ऊपर हम थोड़ा ज्ञान पे लेंगे। तो यार आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुम लोग अगर नए हो चैनल पे तो यार तुम लोग कर देना सब्सक्राइब, अगर तुम लोग ज़्यादा वीडियो पसंद आ गई तो तुम लोग करोगे लाइक। तो यार वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर से देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। यार तुम सबको ही पता है कि यार 2019 के मुकाबले यार अभी 2020 के जो एंड में है यार उसका मतलब टूर्नामेंट का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका, अपना ई स्पोर्ट टूर्नामेंट का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका कि पबजी बैन होने के बाद, क्योंकि अब पता ही है कि यार फ्री फायर सबसे ज़्यादा फेमस गेम रहने वाली है अपनी। तो यार तुमको पता ही यार टूर्नामेंट कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, तुमको नाम फेम पैसा सब कुछ मिलेगा उसमें। तो यार अगर तुम चाहते हो कि यार टूर्नामेंट तुम भी जाओ यार, तुम भी खेलो, तुम भी अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करो आगे जाके और बड़े लेवल पर, तो यार इस वीडियो को अगर एंड तक देखना। और तुमको पता है कि यार स्पोर्ट्स अभी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है, अभी लोग कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। तो यार तुमको भी यार सबकी तरह क्रेज़ तो होगा ही, तुमको भी, मेरे को भी क्रेज़ था लेकिन मुझे कुछ खास शौक नहीं है बट अब। तो यार तुमको अगर जाना है तो अगर पहला जो तुम्हारी जो पॉइंट रहेगा तो वो होने वाला है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है? जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम आओ तुम उसको मैं पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। कोऑर्डिनेशन तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर बिना केचप का तुम्हारा केचप, वैसे ही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम अगर कोई भी अगर तुम खेलते हो गेम, अगर उसमें अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ना हो अच्छा से तुम मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो फिर तो अगर तुम रैंक भी खेलोगे तो तुमको मरना ही है क्योंकि तुम कॉल सही से नहीं दे पाओगे, तुम अगर सही से बुला नहीं पाओगे, तुम सही से अगर मार नहीं पाओगे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, तो फिर क्या फ़ायदा यार कोऑर्डिनेशन का, ठीक है? तो वो ज़रूरी होता है मैच में। और भाई जहाँ तक बात है ई स्पोर्ट्स का, भाई साहब उधर तो कोऑर्डिनेशन एकदम तुमको भर भर के होना चाहिए। मतलब तुम लोग कम से कम अपना मतलब जितना भी तुम्हारा स्क्वाड है उसके साथ तुम नहीं भी हो तो कम से कम 200 या 300 मैच तुम खेल चुके होगे, अपना सिनर्जी अच्छा बना चुके होगे, तब जाके एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाता है, ठीक है? अगर तुम कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाओगे तो यार तुम आराम से मर जाओ, क्योंकि अगर एनिमी का कोऑर्डिनेशन तुमसे ज़्यादा अच्छा हुआ तो वो तुमको ईजी मार देगा ना, क्योंकि उनको पता है कि तुमको कैसे फ्लैंक करके आराम से मारना पड़ता है, तो उनको पता रहेगा कि तुमको कैसे घुस के मारना पड़ता है, ठीक है? बट तुमको अगर सही से ऑर्डर देना नहीं, मतलब तुम अगर सही से अगर किसी को कॉल नहीं दे पाओगे अपने टीममेट को कि इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, क्योंकि अगर तुम सही से अगर कॉल नहीं दे पाओगे तो वो लोग किधर भी चल जाएंगे ना, तुम अगर किधर भी चल जाएंगे तो भाई नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि वो लोग एक प्रॉपर मतलब प्लान के साथ आएंगे, अगर तुम प्लान के साथ नहीं निकलोगे तो भाई तुम्हारा तो भाई खेल खत्म हो जाएगा ऐसे। तो यार इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम उधर जाके कतई भगवान नहीं बन सकते हो, मतलब कतई सबका हेडशॉट मार नहीं सकते, क्योंकि उधर सब प्लान के साथ एक प्रॉपर प्लान के साथ खेलेंगे और सब छुप छुप के खेलेंगे भाई साहब। तुम अगर ओपन निकले तुम्हारी खान मार लेंगे सब तुम्हारी, तो इसलिए ओपन भाई निकलने का गलती से भी सोचना भी मत, क्योंकि उधर सब एक प्रॉपर प्लान के साथ एक प्रॉपर चीज़ के साथ सब कुछ खेलेंगे, मतलब कोई भी अंधाधुंध नहीं घुस जाएगा किसी के ऊपर भी। तो भाई साहब कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे मेन फैक्टर होता है, ठीक है? अगर तुम कोऑर्डिनेशन सही से नहीं कर पाओगे तो भाई तुम अपने टीम को ना फाइनल तक ले पाओगे ना फिर तुम जोन के अंडर तक ले पाओगे, क्योंकि सब अच्छा से कोऑर्डिनेशन बना के निकलेंगे तुमको आराम से मार देंगे, ठीक है? तो फिर तुम वो भगवान बनने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई अगर तुम टूर्नामेंट को लेकर बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी अगर सीरियस हो तो ठीक है, तुम अपने दोस्त वैसे ही बनाओ, अपने तरह दोस्त बनाओ जो एकदम बिल्कुल ही सीरियस हो, मतलब गेम अगर खेलते भी हो कोई भी गेम, ना कैजुअल हो या फिर रैंक हो, कुछ भी गेम खेलते हो तो भाई एकदम सीरियसली खेलते हो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ऐसे हंसी मजाक करके खेलोगे तो भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? उधर टूर्नामेंट में कोई हंसी मजाक नहीं होता, ठीक है? अगर एक एक बंदे ये सोच के जाते हैं कि उसको मारना ही है जाके, ठीक है, भले ही वो मर जाए वो अलग बात है, ठीक है, उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है, भले ही वो मर जाए लेकिन उसको हमेशा ये सोच के जाना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच टॉप लेवल पर लेके जाना पड़ता है कि नहीं वो जाके मारेगा ही, ठीक है? तो तुमको भी अपना उस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, वो एक दिन में नहीं होगा लेकिन, ठीक है, तुम अपना टीम के साथ जैसे जैसे खेलते जाओगे, जैसे जैसे गलतियाँ करते जाओगे वैसे वैसे तुम सीखते जाओगे कि भाई साहब अगर इधर ऐसे जाएंगे तो ऐसे मर सकते हैं, ऐसे जाएंगे तो ऐसे मार सकते हैं, तो भाई तुम ये सब कुछ सीखोगे, ठीक है? वो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइक अगर तुम, मैंने काफ़ी ज़्यादा पबजी के स्क्रीम्स खेले हुए हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, जो तुम्हारे टीयर 3 के जो होते हैं वो होता है तुम्हारा एकदम बेसिक जो हम लोग नॉर्मल खेलते हैं, ठीक है? जो टीयर 2 होता है वो जो बेसिक वाले से है वो तुम्हारा मतलब 50% या 60% ज़्यादा जानता है टूर्नामेंट के बारे में, ठीक है? जो मतलब उसको पता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन लेके खेलना पड़ता है, कैसे कॉल देना पड़ता है और कैसे कहाँ से क्या रोटेशन करना पड़ता है, ठीक है, वो सब उनको पता है। जो टीयर 1 होते वो ऑलमोस्ट रोड टू तुम्हारा प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, रोड टू ग्लोरी या रोड टू प्रोफेशनल कुछ भी कर लो, मतलब लोग इतना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस होते हैं कि उनका मतलब इतना ज़्यादा माइंडसेट इंक्रीज मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका रहता है कि वो लोग आराम से मतलब टूर्नामेंट भी आराम से खेल सकते हैं, ठीक है? वो ये टीयर 1। तो मैं टीयर 1 कस्टम तक खेल
चुका हूँ पबजी में, और मैंने फ्री फायर का भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला कि ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सेम ही है, तो मैं तुमको अच्छा से समझा सकता हूँ। ठीक है यार, ये तो रहेगी तुम्हारी कोऑर्डिनेशन की बात, तो आगे बढ़ते यार। तो जो आगे जो मेन और एक टॉपिक है, जो मेन और एक टॉपिक है उसका है तुम्हारा कि वो है रोल चूज़ करना, रोल प्लस टैक्टिक्स। तो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया वो हो गया तुम्हारा रोल प्लस टैक्टिक्स। रोल अगर तुमको, अगर तुम गेम खेलते हो बहुत ज़्यादा टाइम से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खेलता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर नहीं खेला, बट हाँ बहुत टाइम से, जब गेम रिलीज़ हुआ तब से खेलता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर तुम अगर जानते हो बहुत टाइम से ज़्यादा गेम खेल रहे हो, तो अगर तुम अगर अपना रोल नहीं जानते कि तुम क्या हो नहीं हो, तो फिर भाई टूर्नामेंट में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। तुमको एकदम अच्छा से पता होना चाहिए कि तुम क्या हो। लेकिन जैसे कि हो गया, मान लो कि तुम कोई मेडिक हो, मतलब तुम अगर ज़्यादा मेडिकेट कैरी करते हो, या फिर तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो और बहुत ही अच्छा घुस के मारना पसंद करते हो, तो तुम रशर हो गए हो। तो अगर तुम अगर मतलब ज़्यादा तुमको पूरा मैप के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तुम लीडर बन सकते हो। ठीक है, तुम IGL बन सकते हो, मतलब तुम कैरी कर सकते हो सबको, कि सबको बता सकते हो कहाँ से जाना हो, कहाँ से रोटेशन करना पड़ता है, कहाँ पर कौन उतर सकता है, कहाँ पर किसको मारना है, सब तुम ये सब देख सकते हो। तुम एक लीडर की तरह काम कर सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब क्या एमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो तुम मतलब कि तुम स्नाइपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तुम अगर स्नाइपर कैरी कर सकते हो, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज होगा लाइक SKS ये सब तुम कैरी कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा, तो तुम अगर टूर्नामेंट फॉलो करते हो तो मैंने ऐसा भी देखा कि भाई साहब 200-200 मीटर से दूर भी एक अच्छे खासा जो जिसका एम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग रेंज में, भाई साहब वो 200-200 मीटर दूर भी यार लोगों को नॉक कर चुका है। ठीक है, तो भाई अगर तुम्हारा एम, अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यार नहीं मैं कोई भी आ जाए मेरे सामने, भाई मैं दूर से ही सबको नॉक कर सकता हूँ, तो भाई साहब तुम बस चले जाओ यार, तुम स्नाइपर हो अच्छे खासे, तो तुम अपने आप को वैल्यू दो। ठीक है, अगर तुम अच्छे से घुस के मार सकते हो, अगर तुम घुस के तुमको पूरा पता है कि कौन कहाँ छुपा हुआ रह सकता है, तुम आराम से रोल के लिए तुम्हारा फेवरेट रोल जो रहेगा वो हो गया तुम्हारा रशर का रोल। ठीक है, तुम रशर का रोल ले सकते हो आराम से। तो लेकिन तुम अपने जो चार बंदे होते हैं, ठीक है, वो चार बंदे के साथ तुमको अच्छा से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने तुमको बताया वो ज़रूरी है। फिर रोल के हिसाब से तुम अपने आप को चूज़ कर सकते हो, और टैक्टिक्स भी वही हो गया। ठीक है, वो टैक्टिक्स भी सारे वही रह गए। ठीक है, तुमको गेम के हिसाब से अपना टैक्टिक्स बनाना। अगर तुमको मतलब तुमको कोई बोलता है कि भाई साहब ऐसे रोटेशन करो वैसे रोटेशन करो, तो भाई उसको तुम चूतिया बोलो और सामने से निकल पड़ो। ठीक है, क्योंकि सबको तो नहीं पता, बट मैं बताता हूँ, क्योंकि जो गेम होता है गेम के हिसाब से तुमको टैक्टिक्स बनाने पड़ते हैं, ना कि तुम पहले से रोटेशन बना लो कि मेरे को उधर उतरना, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि एनिमी किस तरफ उतर रहा है। ठीक है, और तुम किस एनिमी को तुम पूरा अच्छा से बीट कर सकते हो, तुमको तो सबके बारे में पता रहना चाहिए ना। लाइक मान लो कि TSG तुम्हारे सामने, या फिर कोई और टीम तुम्हारे सामने, डाई अनदर डे जो स्काइलर भाई का जो टीम है वो तुम्हारे सामने, तुमको पता रहना चाहिए कि नहीं मैं स्काइलॉर्ड की टीम को मैं मार सकता हूँ, तो मैं ये लोग प्रोबेबली इसी तरफ उतर रहा है, तो मैं उसको जाके उधर ठोक सकता हूँ, तो तुम उधर उतरोगे। ठीक है, या फिर तुमको पता है तुमको लूटना पहले पसंद, मतलब तुम पूरा सेफ खेल रहे हो, तो तुमको किल के पीछे नहीं जाना है, तुम मतलब कोई ऐसा जगह उतर रहे हो जहाँ मतलब तुमको ठीक ठाक लूट भी मिल जाए और प्लस तुम्हारा मतलब तुम जोन तक भी पहुँच जाओ, तो वो सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है। अगर तुमको कोई भी अगर तुमको देखते हुए यूट्यूब पर अगर तुमको पहले से बता रहा है कि भाई साहब ये ऐसे रोटेशन वैसे रोटेशन, भाई इसको तुम चूते हो बोलो सामने से निकल पड़ो। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तुमको अच्छा से देखना होगा गेम के हिसाब से, तुमको देखना होगा कि भाई साहब तुमको उतरना किधर है और मारना किधर है, और जोन कैसे पहुंचना। तो भाई साहब ये रहेगा तुम्हारा रोल एंड टैक्टिक्स के ऊपर। ठीक है, अर्जुन थर्ड पॉइंट होने वाला है नो चीटिंग के ऊपर। तो यार तुम लोग मानो या ना मानो, तुम्हारे सारे एक से बढ़ के एक फेवरेट तुम्हारी जो टीम है जो स्पोर्ट्स लेवल पे खेलती है, जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर है जिनकी टीम जो स्पोर्ट्स लेवल पे खेलती है, वो सारे कहीं ना कहीं हैक के कारण जो पकड़ा जा चुके हैं, जो जिनसे भाई सब खतरनाक मतलब नाम गिरा है अपना इंडिया का। तो भाई साहब यही हो गया मेरा थर्ड पॉइंट, जो भाई साहब तुम लोग चीटिंग मत करो यार, चीटिंग मत किया करो यार, तुमको खेलना ही है, तुमको जाना ही है ऊपर, तो भाई चीटिंग करके क्यों जाना यार इतने ऊपर जाके। अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो भाई साहब तुम्हारा अकेले तो नाम खराब नहीं होगा भाई, तुम्हारे टीम के भी खराब नाम होगा, और भाई साहब जो यूट्यूबर के ऊपर तुम खेल रहे हो भाई उसका भी नाम खराब होगा, और जो अगर तुम जो अपना इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भाई उन पूरा इंडिया का नाम खराब होगा। ठीक है, तो भाई साहब भाई चीटिंग से दूर रहो यार। ठीक है भाई साहब, इस पर एक अलग सा पूरा वीडियो बन सकता है, क्योंकि यार काफ़ी ऐसा लोग है, ऐसे ऐसे जो फेमस लोग है भाई साहब, वो उनकी टीम भी हैक, उन भोसड़ी वालों की टीम भी तुम्हारे हैक करते हुए पकड़ा जा चुकी है भाई साहब। मुझे कभी उम्मीद नहीं था, बट ये हाल फिलहाल की भी बात है, मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो भाई वो सारे हैक के कारण पकड़ा जा चुके हैं, और भाई साहब कहते हैं एक साल का बैन लग चुका है उन्हें। तो भाई इसीलिए वो बड़े बड़े मतलब जो टीम है एकदम तुमको बोलती नहीं है कि भाई साहब कि मैं मुझे खेलना नहीं है टूर्नामेंट। ठीक है, वो सारे बैन हो चुके कहीं ना कहीं एक साल के लिए। तो यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो यार तुम लोग कर देना यार लाइक, तुमको ज़्यादा पसंद आई तो तुमको ज़रूर से करना सब्सक्राइब, तो कर ही देना भाई साहब, क्योंकि ऐसे ऑसम कॉन्टेंट आते रहेंगे। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायनारा।